हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों जो है आज बात करेंगे हम लोग के, जैसे कि देखिए मेरे पास एक टीवी है, ठीक है। ये टीवी जो है अभी मैं इसको जो है रिपेयरिंग किया हूँ, ठीक है। ये जो है ऑन हो गया है, देखिए देखिए हमारा जो है नो सिग्नल आ रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं जो है देखिए पीए चेक से कहें, लेकिन मैं इसको जो है उल्टा पकड़ा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हमारा बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है अभी, ठीक है फिलहाल। तो दोस्तों इसमें मैं जो है नॉलेज यह देने वाला हूँ आप लोगों को कि जैसे देखिए कोई इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन को क्या होता है, मतलब रिपेयरिंग करते समय जो है उसको पहले से जो है कहाँ पे क्या वोल्टेज आना चाहिए ये सब जो है मालूम होना चाहिए, ठीक है। उस केस में ही वो जो है अपना सामान जो है रिपेयरिंग कर सकते हैं, पैनल रिपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं जो है यही बताऊँगा इस वीडियो में कि जो है कहाँ पर क्या वोल्टेज जो है चेक करना चाहिए पैनल पर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हमारा देखिए यहाँ पे देखिए एक नंबर दिख रहा है, ठीक है, ST2151B01, और ये जो निशान है डॉट करके 1-XC और -8 है, ठीक है। दोस्तों इस जो है नंबर के जरिए जो है आप इसका जो है पैनल का पूरा डेटा शीट जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मॉडल नंबर इसका, ठीक है, मॉडल नंबर ये पैनल नंबर है दोस्तों, ठीक है। और चलिए मैं इसको जो है बताता हूँ आपको, ठीक है, कहाँ पे क्या वोल्टेज रहना चाहिए। मीटर भी दो देखे दोस्तों सामने लगा रखा हूँ, ठीक है। दोस्तों क्या होता है ये जो है ये बेसिकली जो है 5 वोल्ट का मतलब पैनल है, ठीक है। देखिए मैं जो है इसका VCC इन बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए एक फ्यूज लगा है, ठीक है। ये जो है 3 एम्पियर का है, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये जो है पैनल हमारा जो है 5 वोल्ट का है, मीटर में फॉलो कीजिए 4.7 वोल्टेज दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा जो है पैनल जो है 5 वोल्ट का है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों और इसमें जो है क्या क्या वोल्टेज जो है मतलब बनता है, ठीक है, उसको मैं जब बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए सिंपली ये जो है ये 10 पेयर का है, ठीक है, 8 बिट 10 पेयर का है। और दोस्तों देखिए ये जो छोटा छोटा दिख रहा है, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ये जो है RX सिग्नल को जो है एम्पलीफाई करता है, ठीक है। RX सिग्नल इसमें जो है आउट होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए 1.3 दिखा रहे, ठीक है, मतलब जो है हमारा RX सिग्नल जो है जितना भी आता है, ठीक है, ये वाला मतलब केबल्स के जरिए, देखिए ये वाला जो केबल है, ये केबल के जरिए हमारा जो है RX वोल्टेज जो है मेन IC से जब जैसे ही स्टेट में वो रिलीज होता है उस केस में आता है, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली देखिए ये हमारा जो है स्टेप डाउन कन्वर्टर है, ठीक है दोनों। तो दोस्तों जो है क्या होता है इसमें देखिए, ये जो है यहाँ पे 5 वोल्ट जो है इन हो रहा है, ठीक है, मीटर पे देखिए 5 वोल्ट जो है इन हो रहा है, ठीक है। और क्या होगा दोस्तों 3.3 जो है यहाँ से आउट होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे मीटर पे फॉलो कीजिए 3.3 आउट हो रहा है, ठीक है। सेम कहानी क्या होगा दोस्तों, इसमें जो है 3.3 इन होगा और 1.8 जो है रेम वोल्टेज जो है आउट होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 3.3 जो है इन हो रहा है, और जो है सेकेंड नंबर पर देखिए ये यहाँ पे 1.8 वोल्टेज या तो 1.2 वोल्टेज जो है आउट हो रहा है, देखिए, ठीक है, 1.2 वोल्टेज। किसी में क्या होता है दोस्तों 1.8 वोल्टेज जो है रेम वोल्टेज बना के दिया रहता है, इसमें जो है 1.2 वोल्टेज है दोस्तों, क्योंकि पैनल जो है छोटा है, ठीक है। अब दोस्तों मेन जो है आता है हमारा DC to DC IC, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो है हमारा DC to DC IC, ठीक है। और देखिए दोस्तों एक जो है डायोड है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे तो दोस्तों क्या होगा, एक सिरे पर जो है हमारा 5 वोल्ट मिलेगा और एक सिरे पर हमारा जो है बूस्टिंग वोल्टेज मिलेगा AVDD का 15 वोल्टेज, ठीक है। चलिए मैं जो है आपको चेक करके दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक है, मीटर पे फॉलो कीजिए, देखिए हमारा इस बार जो है बूस्टिंग वोल्टेज आ रहा है हमारा 15 वोल्टेज, ठीक है। और इसका एक सिरे पे देखिए, ठीक है, पॉजिटिव सिरे पे 5 वोल्ट मिलेगा आपको, देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। और इस पर देखिए दोस्तों इस पर जो है हमारा मीटर पे फॉलो कीजिए, हम मेरा जो है मीटर प्रॉक्स से देखिए, ठीक है, देखिए इस साइड पे जो है 5 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बूस्टिंग वोल्टेज जो है AVDD जो है 15 वोल्टेज हमारा जो है, देखिए दोस्तों बूस्ट होके जो है हमारा बन रहा है, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या होता है, मेन वोल्टेज जो है VON वोल्टेज होता है, ठीक है, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा वोल्टेज रहता है बूस्टिंग होकर बनता है, जिसको दोस्तों VON बोलते हैं, VGH बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों टेस्ट पॉइंट पर मैं जो है टच किया हूँ, देखिए दोस्तों VGH ऑफ लिखा है, ठीक है। और मीटर पे फॉलो कीजिए,
32 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है हमारा जो है पैनल पे हमारा बोर्ड से मात्र 5 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, ये वो वोल्टेज जो है यहाँ पे बूस्टिंग होके कोई वोल्टेज जो है 3.3 बना रहा है। ठीक है, स्टेप डाउन होके तो कहीं पे बूस्टिंग होके 15 वोल्टेज बना रहा है। ठीक है, तो कहीं पे 32 वोल्टेज बना रहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है जैसे कि AVDD वोल्टेज देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 वोल्टेज। ठीक है, ये जो है हमारा AVDD वोल्टेज है और इसमें जो है VCOM वोल्टेज बनेगा दोस्तों। ठीक है, जो कि हमारा 7 वोल्टेज के करीब होगा। ठीक है, आधा देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए VCOM हमारा ए, इसमें HVAA लिखा है। ठीक है, और ये वाला देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा AVDD का पॉइंट है 15 वोल्टेज। देखिए मीटर पे देखिए 15 वोल्टेज दिख रहा है। और दोस्तों ये हमारा, ये वाला देखिए, ये वाला हमारा जो है VGH का पॉइंट है 30 वोल्टेज। ठीक है, मीटर पे देखिए 32 वोल्टेज दिखा रहा है। और दोस्तों इसमें मायने क्या रखता है, एक वोल्टेज और है जो कि है VGL वोल्टेज। ठीक है, VGL वोल्टेज में क्या होता है दोस्तों, वो वोल्टेज हमारा जो है माइनस में रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो है टेस्ट पॉइंट नहीं दिया है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कहाँ पर है दोस्तों, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे देखिए, इसमें जो है वोल्टेज हमारा माइनस होगा। ठीक है, -6 वोल्टेज के करीब, मीटर पे फॉलो कीजिए। देखिए हमारा वोल्टेज जो है माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, -6 वोल्टेज। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रहा हमारा जो है बेसिकली वोल्टेज जो कि हमारा पैनल को जो है रन कराने के लिए जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण है। ये वोल्टेज जो है नहीं बनेगा तो हमारा जो है पैनल जो है ऑन नहीं होगा। दोस्तों देखिए अब मेरा जो है पैनल अभी भी ऑन है। ठीक है, प्रेस कंडीशन में जो है नो सिग्नल दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये जो टेस्ट पॉइंट बना है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 करके। ठीक है दोस्तों, ये जो है RX वोल्टेज जो है हमारा गामा AC से जो है बूस्टिंग होके यहाँ पे मतलब सभी साइड कॉप में जा रहा है, सोर्स कॉप में जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें भी जो है वोल्टेज चेक करा देता हूँ। दोस्तों इसमें वोल्टेज क्या रहेगा हमारा, जो RX वोल्टेज जो है इन होके आ रहा है। ठीक है, हमारा 1 वोल्टेज से मतलब 2 वोल्टेज के करीब रहेगा। ठीक है, 1.5 वोल्टेज तक वो जो है हमारा यहाँ से जो है, देखिए ये जो बड़ा वाला AC दिख रहा है ये जो है हमारा गामा AC। ठीक है, गामा AC से सीधे जो है एम्पलीफाई होके हमारा RX सिग्नल जो है इस जो है टेस्ट पॉइंट पे मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए इसमें मैं जैसे टच करता हूँ, देखिए इस वाले पे जो है मैंने टच किया, देखिए 1 वोल्टेज के करीब है। ठीक है, देखिए दोस्तों देखिए 1 वोल्टेज, 0.9 वोल्टेज। ठीक है, मतलब ये हमारा इसमें सभी में मतलब हमारा वही वोल्टेज दिखाएगा। ठीक है, RX वोल्टेज जो है एम्पलीफाई होके आ रहा है वो वाला। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा जैसे कि देखिए कोई भी कंपोनेंट है। ठीक है, DC to DC IC के पास अगर कोई भी कंपोनेंट अगर आपको शॉर्ट दिखता है, ठीक है शॉर्ट हो जाता है कोई भी कंपोनेंट, तो हमारा जो है कुछ भी मतलब जो VGH VGL वोल्टेज है वो जो है हमारा नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ मेरा TV जो है अभी स्टैंड बाई मोड पे चला गया है क्योंकि कुछ चला भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं जो है इसको स्टैंड बाई रिलीज किया। ठीक है, और हमारा देखिए हमारा PHX लिखा गया है। ठीक है, और देखिए हमारा नो सिग्नल भी आ गया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, अगर नए इलेक्ट्रिशियन हो तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना दोस्तों आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो उसको, ठीक है मैं जो है दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को जो है ऑल पे प्रेस करके रखना, जैसे ही मैं जो है न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको इसका जो है नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा पुराना वीडियो देखते रहिए।